भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के वक्त देवताओं को विजय प्राप्त करवाने के लिए समुद्र मंथन होते हुए जो विष निकला था उस विष को पी लिया और उस विष को पीने के बाद वो नीलकंठ हो गए और देवताओं को विजय प्राप्त हो गई और विजय प्राप्त होने के बाद उन्हें अमृत मिल गया और देवताओं ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भगवान शंकर के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए देवताओं ने उन्हें जलार्पण कर दिया और इसी जलार्पण की प्रथा सालों साल सदियों से चली आ रही है। इसी का नाम आजकल हम कावड़ यात्रा के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम भी कावड़धारी थे, लेकिन खास करके जो शिव भक्त माने जाते हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़े शिव भक्त रावण, तो रावण ने कावड़ यात्रा का आरंभ किया था ऐसा माना जाता है। लेकिन दोस्तों हम बिल्कुल भी इस बात की चर्चा आज नहीं करेंगे कि एग्जैक्टली समुद्र मंथन क्या है, भगवान शंकर ने क्या किया, कावड़धारी कौन थे कौन नहीं थे। हम चर्चा करने जा रहे हैं कावड़ यात्रा के ताल्लुक से। परसों सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय ये है कि कोई भी स्टॉल वाला व्यक्ति जो है, जो अपना स्टॉल लगाने वाला है, जो अपना ढाबा चलाने वाला है, वो अपने दुकान पर अपना नाम नहीं डालेगा। जिसका फरमान यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निकाला था और कहा था कि कावड़ यात्रा के दौरान आने वाली हर दुकान, हर स्टॉल, हर शॉप और हर ढाबे पर उस प्रोप्राइटर का, उसके मालिक का नाम होना जरूरी है। इसके जरिए वो अपनी जो रिलीजियस डिस्क्लोजर हम जिसे कहते हैं, मीन्स अपनी धार्मिक पहचान बतानी पड़ेगी। इनडायरेक्टली कुछ ऐसा ही कहना था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हो हल्ला मचा और कुछ लोगों ने इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जब दरवाजे खटखटाए तो सुप्रीम कोर्ट ने परसों साफ तरीके से इस निर्णय को खारिज कर दिया, मना कर दिया, इसे इंटरिम ऑर्डर के तौर पर रोक दिया। कहा कि ऐसा नहीं किया जाएगा। उन दुकानदारों को सिर्फ और सिर्फ ये लिख देना है कि कौन सी दुकान शाकाहारी है और कौन सी मांसाहारी है, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, इसका बोर्ड सिर्फ लगाना है और बाकी कुछ भी नहीं। अब हम इसको लेकर चलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कहने की वजह बड़ी साफ है और ये वजह वो है कि कोई भी इस तरीके से पब्लिकली खुद या इस तरीके से इम्पोज करके अपनी धार्मिक पहचान बता नहीं सकता है। धार्मिक पहचान बताने की वजह से समाज में जो गंगा जमुना तहजीब बनी है यूपी में खास करके और पूरे देश में जिसकी जरूरत है, उस गंगा जमुना तहजीब को धक्का पहुंच सकता है। आने वाले इलेक्शन में हमें फायदा हो इसके लिए इस विधानसभा के तहत जो पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, इस कोशिश को आज तो खैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल भी मना कर दिया है। यह हो गया एक रिलीजियस डिस्क्लोजर का नमूना। दूसरा नमूना लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि चेंबूर के आचार्य महाविद्यालय में जब यूनिफॉर्म को लेकर कॉलेज के प्रशासन ने फरमान जारी किया तो इस फरमान के खिलाफ, ये फरमान सभी के लिए था, हिंदुओं के लिए भी था, मुसलमानों के लिए भी था, क्रिश्चियनों के लिए भी था, दलितों के लिए भी था, सभी जाति धर्मों के लिए यूनिफॉर्म का फरमान निकल चुका था। और जब सभी जातियों के लिए यह फरमान निकल चुका था तो 9 मुस्लिम लड़कियों ने इस यूनिफॉर्म के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की और फिर एक बार हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि रिलीजियस डिस्क्लोजर अगर किसी तरीके से विद्यार्थियों का होता है और इसके लिए कॉलेज प्रशासन अगर तैयार नहीं है तो ऐसा रिलीजियस डिस्क्लोजर राइट टू एक्सप्रेशन के तहत नहीं आना चाहिए कॉलेज कैंपस में, कॉलेज प्रीमाइसेस में। अगर आपकी धार्मिक पहचान आपके कपड़ों की वजह से, आपके टीला लगाने की वजह से, आपके किस खास किस्म के कपड़े पहनने की वजह से, हाथ में कुछ मालाएं पहनने की वजह से, या किसी भी तरीके से अगर आपका रिलीजन डिस्क्लोज होता है, आपकी धार्मिक पहचान डिस्क्लोज होती है, तो इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से उन 9 लड़कियों की जो याचिका थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। हम दोनों निर्णय की तरफ देखते हैं तो दो समुदाय की तरफ से ये निर्णय हुआ है। यूपी में ये निर्णय हुआ है कि रिलीजन डिस्क्लोज ना हो इसलिए नाम लिखने की जरूरत नहीं है, और चेंबूर के आचार्य महाविद्यालय में ये बात हुई कि रिलीजन डिस्क्लोज ना हो ये बहुत जरूरी है, इसलिए कॉलेज ने जो यूनिफॉर्म को लेकर जो फरमान निकाला है वो फरमान
सही है। इसीलिए आज हमें देखना पड़ेगा कि रिलीजन हमें जन्म से मिला है, इसमें ना तो हमारा दोष है, ना तो हमारी कोई अच्छाई है, ना तो हमारा कोई पाप है, ना पुण्य है। जन्म से हमें रिलीजन मिला है, लेकिन ये जन्म से मिलने वाला रिलीजन, इसके तहत हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं अपने घर में। और हमारी जो रिलीजन की जो पहचान है, धार्मिक जो पहचान है, वो घर तक रहे, वो पब्लिक प्लेसेस में, वो स्कूल्स कॉलेजेस में, और वो ऐसी दुकानों में, आर्थिक व्यवहारों में, सामाजिक व्यवहारों में बिल्कुल ना आए, इस बात का पूरा जो गाइडलाइन है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी दिया और हाई कोर्ट ने भी दिया। देश के सभी लोगों को अब इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि हमारी धार्मिक पहचान, ये अगर हमारे लिए बहुत गर्व की बात भी है, तो वह हमारे घर तक रहे, ना कि वह हमारे देश दुनिया तक पहुंचे। देश दुनिया तक हमारी एक ही पहचान है कि हम पहले भी भारतीय हैं और आखिरी भी में भी हम भारतीय हैं। भारतीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत ही साफ तरीके से कहा था कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन द फर्स्ट एंड लास्टली ऑल्सो आई एम द इंडियन ओनली। थैंक यू वेरी मच।